वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल तो गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ का प्रीवियस ईयर का पेपर तो गाइस जो ये पेपर है इनकम टैक्स लॉ का ये जनवरी 2022 का है तो सारा डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में और गईस इनकम टैक्स लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें आपको सारे टॉपिक्स एंड चैप्टर्स मिल जाएंगे सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट द वीडियो तो गाइ सबसे पहले सेक्शन ए में हम बात करेंगे जिसमें आपको फाइव मार्क्स के सिक्स क्वेश्चन आते हैं एंड इसमें आपको फोर अटैम्प्ट करने होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इस आपका एक्सप्लेन द इन इन ब्रीफ वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन सेम ईयर ठीक है इन बताने हैं आपको जिसमें जो इनकम है प्रीवियस ईयर की उसे हम असेस करते हैं सेम ईयर में ठीक है नेक्स्ट आपका ये आपका रेजिडेंशियल का क्वेश्चन है द बिजनेस ऑफ एच यू एफ इज ऑपरेटेड फ्रॉम नॉर्वे एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन फ्रॉम देयर ये आपको रेजिडेंशियल का क्वेश्चन है फाइव मार्क्स के लिए नेक्स्ट आपके लिए इन जो आपका एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है उसमें से आपको ये फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है नेक्स्ट है आपका डॉक्टर महिंद्रू वाला ये आपका प्लान आपका पी जी पी बी डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है फाइव मार्क्स के लिए नेक्स्ट है आपका डॉक्टर सरीत वाला क्वेश्चन तो गईज ये आपका आया है एच पी वाले चैप्टर से सॉरी एचपी वाला नहीं ये आपका कैपिटल गेन वाले चैप्टर से आया है जिसमें आप इन्फ्लेशन कोस्ट इन्फ्लेशन सारा निकालते हो इंडेक्स निकालते हो ठीक है तो कई नेक्स्ट आपका सिक्स क्वेश्चन है ये सेक्शन ए में जिसमें आपको बताया गया स्टेट द टैक्सीबिलिटी इंस्टांसिज वैन गिफ्ट रिसीव बाय पर्सन इंक्लूडेड इन हिज इनकम इन केस ऑफ मॉनिटरी गिफ्ट एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर उसमें से ये थ्यूरी थी क्वेश्चन फाइव मार्क्स के लिए आया हुआ है नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एक्सप्लेन विद हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इसमें आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला सारा टॉपिक बताना है ठीक है एच यू एफ है या फिर कंपनी है फॉर्म है ये सारा आपको बताना है जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ अपनी रेजिडेंशियल वाली वीडियो में ठीक है वो सारा आपको इसमें देना और इसको आप आपको एक एग्जाम्पल भी इसमें देना है ठीक है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन इरिट्रिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम वन एंड टोटल इनकम विद हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल एंड सिक्स टाइप्स ऑफ इनकम बतानी है अंडर सेक्शन टेन ठीक है ये फिफ्टीन मार्क्स के लिए है सेक्शन बी में आपको टू क्वेश्चन करने हैं फोर में से नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन तो गाइज जो ये आपका नाइन्थ क्वेश्चन है ये इनकम फ्रॉम जो सैलरी वाला आपका चैप्टर है उसमें से गाइज ये आपको आया हुआ है क्योंकि सैलरी वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका आ, एक क्वेश्चन आपको फिफ्टीन मार्क्स के लिए सेक्शन बी में देखने को मिलता ही मिलता है ये भी मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी के सारे टॉपिक्स मैंने आपको करा रखे हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट है गाइज इसका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन तो गाइज ये ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है ठीक है फिफ्टीन मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन सी जो आपका लास्ट सेक्शन होता है आपके एग्जाम का तो भाई सेक्शन सी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट दो सन् वेयर इंडक्सेज कोस्ट इज नॉट अलाउड फॉर कैपिटल एसेट्स ठीक है किस किस केस में हम इंडेक्सेज कोस्ट नहीं लेते जैसे बोन्स में नहीं हम लेते ठीक है जो कैपिटल एसेट्स नहीं होते उनमें हम नहीं लेते इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी नेक्स्ट आपको एग्जामेशन बतानी है अंडर सेक्शन फिफ्टी अंडर सेक्शन 54 वाली एक्जामेशन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्सप्लेन द फॉलोइंग केसेस इन द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग अमंग इम्प्लॉय डीम्ड प्रॉफिट चार्ज टू इम्प्लॉय अमोरटाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस अंडर सेक्शन थर्टी फाइव डी ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ ठीक है सारी आपको थ्योरी मिल जाएगी नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये आपका है पी जी पी बी में यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले चैप्टर में ये आपका क्वेश्चन है ठीक है तो गाइस इस क्वेश्चन में आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट नहीं करोगे इसमें आप प्रोफेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करोगे क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोफेशन दिया गया है ठीक है मिस डॉक्टर ज्योति का दिया गया तो हम इसमें क्या निकालेंगे प्रोफेशन वाला निकालेंगे तो गाइज नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन सी में ये भी गाइज आपको 15 मार्क्स के लिए है इसमें दो पार्ट दिए गए हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए में गाइज ये आपका कौन सा वाला क्वेश्चन है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वाला जो क्वेश्चन है और रेजिडेंशियल हाउस जो आपका चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस वाला वो क्वेश्चन है ठीक है सेवन मार्क्स के लिए एंड नेक्स्ट बी पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से जो ये क्वेश्चन है ये आपका आया गया मतलब ये दोनों मिलके के फिफ्टीन मार्क्स के लिए है आपके तो ये था इस आपका क्वेश्चन पेपर जनवरी ट्वेंटी का होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी और गई सारे चैप्टर्स एंड सारे टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्ले में और आज की वीडियो में इतना ही होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड ऑल्सो चेक द लिंक ऑफ प्ले लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स